The next is time period of a spring block system having two springs in series. First spring, second spring. यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, ये स्प्रिंग थोड़ी स्ट्रेच होगी एक्स वन से, एक्स टू से सॉरी, क्योंकि टू नाम दिया है, ये स्प्रिंग थोड़ी स्ट्रेच होगी एक्स वन से, ओके. सो टोटल स्ट्रेच इज एक्स वन प्लस एक्स टू, बट हम जानते हैं कि एक्स वन एक्स टू अलग अलग हैं, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू क्योंकि तो अलग स्प्रिंग है, के वन इज नॉट इक्वल टू के टू. अगर मैं पहले स्प्रिंग की बात करूं, ये हमारा बॉक्स है ऑफ मास एम, ये हमने फोर्स लगाया और ये इसमें इस तरफ क्या आया, के टू एक्स टू. और दूसरे की बात करें तो इधर की तरफ फोर्स आ रहा है एफ और इधर की तरफ के वन एक्स वन, फोर्स इधर हो रहा है, हालांकि स्ट्रेच जो है वो ऑब्वियसली इधर हो रहे हैं एक्स टू और ये एक्स वन. ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अलग अलग होगा तो ये टूट जाएगा. द फोर्स हैज़ टू इक्वली ट्रांसमिट इन द बोथ द इन बोथ द स्प्रिंग्स. इसकी जगह पर हम एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग डायग्राम बना सकते हैं कि के इक्विवेलेंट सच दैट, कंडीशन देखना क्या है कि अगर फोर्स यही वाला लगाऊं तो पूरी की पूरी स्प्रिंग जो है वो एक्स वन प्लस एक्स टू के बराबर स्ट्रेच होनी चाहिए, बस इतना ही. आई कैन ऑल्सो राइट एफ अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं. मैंने आपको अभी बोला कि दोनों में फोर्स सेम ट्रांसमिट होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, एफ इज इक्वल्स टू के टू एक्स टू, और यहां पे भी सेम होगा एफ इज इक्वल्स टू के वन एक्स वन. तो यहां पे हम निकाल सकते हैं एक्स टू इक्वल्स टू एफ बाई के टू, और यहां पे निकाल सकते हैं एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ बाई के वन. लेट्स राइट इट हियर, एफ अपॉन के इक्विवेलेंट इज एफ अपॉन के वन प्लस एफ अपॉन के टू, ये कैंसिल, व्हाट डू वी गेट, वन अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू. ये डेरिवेशन है स्प्रिंग इन सीरीज का. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस डेरिवेशन में ये है कि यहां पर जो फोर्स होता है दोनों स्प्रिंग्स में वो सेम जाता है, ये बिल्कुल ना भूलें, फोर्स इनमें सेम जाएगा, इसीलिए आप ये कर पा रहे हैं. इसको एक एनालॉजी समझा देता हूं. एनालॉजी सुनिए क्या है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में ये रेजिस्टेंस आर वन रेजिस्टेंस आर टू, करंट सेम होता है सीरीज में ना, बस यहां मान लीजिए यहां जो फोर्स है वो करंट का रोल प्ले कर रहा है और कुछ नहीं है, ऐसे ध्यान में रखेंगे तो याद रहेगा. That's it. चलिए अब हम इसको टाइम पीरियड में फॉर्मूले में डाल देते हैं. हमको पता है कि किसी भी स्प्रिंग के लिए, इस तरीके के लिए स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला क्या आता है, टाइम पीरियड का 2 पाई रूट एम बाय के. अभी हमारी के की वैल्यू क्या निकल के आई भाई, 1 बाय के इक्विवेलेंट तो आया 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू, तो के इक्विवेलेंट क्या आएगा, के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू. ये आप यहां रख सकते हैं, टी इक्वल्स टू पाई एम अपॉन के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू. सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन. ऐसे ऊपर ले जाके आप सॉल्व कर सकते हैं, टू पाई
एम टाइम्स के वन प्लस के टू अपॉन के वन के टू। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करिए, ये फॉर्मूला मेन है, इक्विवेलेंट लगा लो यहाँ पे, सीरीज़ में होगा तो आपको ये लिखना होगा। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल के बारे में करेंगे।